सावन से पहले शुरू हो गई उज्जैन महाकाल की चर्चा और होने लगे महाकाल के दरबार में बदलाव। मंदिर की परंपरा से लेकर महाकाल लोक तक में दिखा इसका असर। थोड़ी अच्छी तो थोड़ी बुरी खबर के साथ होगा उज्जैन में सावन का शुभारंभ। तो आखिर कौन सी है वो खबरें, क्या है उज्जैन महाकाल के उन परिवर्तनों की कहानी और आखिर क्या अलग है इस बार के सावन में। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बात तो अब सब जानते ही होंगे कि महादेव को समर्पित सावन का महीना महादेव और उनके भक्तों के लिए कितना खास होता है। ऐसा कहते हैं कि सावन में महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं और उनकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। आपको बता दें, इस साल सावन 4 जुलाई से शुरू होने जा रहा है जो 31 अगस्त को खत्म होगा, क्योंकि इस बार का सावन पूरे 2 महीने के लिए रहेगा जिसमें कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। ऐसा शुभ संयोग पूरे 19 सालों बाद बना है जहां पूरे 58 दिन तक पूरा वातावरण देवाधिदेव महादेव की भक्ति में डूबा रहेगा। हमारे विद्वान ऋषि मुनि धर्माचार्य शास्त्र वेद पुराण सभी ने महादेव को आशुतोष बताया है। आशुतोष अर्थात जो थोड़े में जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसे ही हैं हमारे महादेव। इसी कारण से सावन महीने में महादेव को बेलपत्र धतूरे और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न करने की होड़ सी लगी रहती है। भोलेनाथ के भक्तों में जब पिछले लगभग 1 दशक से भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों के उत्थान के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, तो इस बार के सावन में महादेव के मंदिरों का नजारा भी बदलेगा। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर कि आखिर महादेव को सावन का महीना ही इतना प्रिय क्यों है। क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिससे पूरा ब्रह्मांड अनजान है। दरअसल भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, इसे लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से पवित्र सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा। तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपनी देह का त्याग कर दिया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। मान्यता ये भी है कि इसी कारण से सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जिससे महादेव की कृपा मिलती है और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन में ही घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसी मंत्र शक्तियां प्राप्त हुईं जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। पौराणिक कथाओं में तो ये भी वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है।
यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर सत्य एक है और वो है देवाधिदेव महादेव। विद्वान पुरुष विप्रजन अलग अलग माध्यमों तर्कों से उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तेज आंधी तूफान के कारण पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित भोलेनाथ की तीर्थ नगरी उज्जैन के महाकाल लोक में महादेव की कुछ मूर्तियां खंडित हो गई थी, लेकिन धार्मिक प्रतिमानों के प्रति सक्रिय शासन व्यवस्था ने इसके पुनर्निर्माण के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आपको जानकर खुशी होगी क्योंकि महादेव की कृपा से इस महाकाल लोक में आई इस आपदा के बाद भी उनके भक्तगण इस साल भी अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव धूमधाम से मना सकेंगे। अब तक इस श्रावण महोत्सव का आयोजन प्रति रविवार को होता था। निर्माण कार्य के चलते मंदिर समिति का प्रवचन हाल टूटने के बाद बीते वर्ष से ये प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन महाकाल मंदिर के समीप संस्कृति विभाग के त्रिवेणी संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। इस बार सावन पूरे 58 दिनों का है, जिसमें 8 सोमवार हैं। महादेव के प्रति समर्पित भक्तों को इस बार के सावन में महादेव के तमाम मंदिरों की दिव्यता और भव्यता के दर्शन होंगे। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस पवित्र सावन महीने में महादेव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा करें। इसी प्रकार की रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा लहराती रहे, इसके लिए वीडियो पर लाइक कमेंट करके इस अभियान को मजबूत बनाएं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।